स्नो हो रही है जी, आज संडे का दिन और बस मैं निकलने लगा हूँ। तो निकलने से पहले मैंने कहा गाड़ी शाड़ियाँ साफ कर लें। आज संडे का दिन था तो हमें वैसे आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा स्नो पड़ेगी। वेदर फोरकास्ट बहुत ज़्यादा नहीं थी। खैर बड़ा हाल, ये तो अभी बिगनिंग है, आपको तो लग रहा है कि शायद थोड़ी सी स्नो, लेकिन अभी तो शुरुआत हुई थी और ये शाम तक जो थी अच्छी खासी स्नो पड़ गई थी। घर से निकलने के लिए हमें बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो अच्छे कपड़ों का इंतखाब, क्योंकि आपको यहाँ पे मालूम नहीं आता कि किस किस्म की सर्दी पड़नी है, मौसम किस किस्म का बन जाना है। और दूसरा जो होता है सबसे ज़रूरी है जी, ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ साफ़ करनी। निकलते आपको जहाँ पे भी जाना, निकलने से 15-20 मिनट ज़्यादा रखने चाहिए, क्योंकि ये 15-20 मिनट इन चीज़ों पर लग ही जाते हैं। गाड़ी शाड़ी साफ़ करना, वेदर, रोडों का इशू बन जाता है, बाई रोड किस किस्म का है। आम नॉर्मल स्पीड से गाड़ी की जगह चल रही हो तो यहाँ पे उससे कम स्पीड में चलती है, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रख के निकलना पड़ता है। कि मैंने अपनी बेटी को दिया हुआ था छोटी को, तो उसने भी कैमरा पकड़ा हुआ था, तो मेरा फ़ोन का कैमरा मैंने उसको दिया। मैंने कहा ज़रा मेरी वीडियो बनाओ गाड़ी साफ़ करने की। खैर मज़े का मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी लेकिन स्नो पड़ रही थी। और फिर थोड़ी ही देर के बाद जो है मेरी बेटी कहती कि मैंने आपके साथ जाना है बाहर। और मुझे जो है इसका होता है, इसका फेवरेट एक चीज़ होती है घर से निकलते हुए, कि मुझे मैकडोनल्ड में जा के ना, वहाँ पे प्लेलैंड जो होता है वहाँ पे इसको खेलने का बहुत शौक है। यकीन करें कि ये आपको शायद इतना खूबसूरत लगे या ना लगे, लेकिन रियलिटी में अगर आप इन इस स्नो को देखें ना दरख्तों के ऊपर, इतनी खूबसूरत लगती हैं, इतनी खूबसूरत लगती हैं कि बंदा कहता है यार इसको मैं देखता ही रहूं कि क्या खूबसूरत लगती है। विंटर में वैसे तो सारे पत्ते झड़े होते हैं, सिर्फ ये बेचारी टहनी ही रह जाती हैं दरख्तों के ऊपर, लेकिन इतनी खूबसूरत लग रही होती है ना कि बंदा बहुत इंजॉय करता है मौसम का भी और इनको देखने का भी। यार यहाँ पर मैं फिर अब बेटी को लेके आया था, क्योंकि उसकी ये फेवरेट चीज़ होती है। खाने को इतना उसका नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको खेलना था, जिसकी वजह से इसको मैं लेके आया था यहाँ पे। तो बस खाने का तो बहाना था, तो मैंने कहा चले ये भी साथ में जो थोड़ा बहुत इसको स्नैक करवा दूँ। पैनकेक मील लिया था इसके लिए मैंने, वो एक केक होता है, पैनकेक और फ्राइज ड्रिंक वगैरह, उसी बहाने वो थोड़ा बहुत खा भी लेगी और साथ में खेलेगी भी। काफ़ी लोग यहाँ पर फैमिली वाले जो होते हैं अपनी बच्चों के साथ आए होते हैं मोस्टली, क्योंकि ये खेलने वाली जगह भी है साथ इसमें मैकडोनल्ड में, तो मोस्टली फैमिलीज ही आई होती हैं बच्चों के साथ। ये देखें ये बच्चे लगे हुए हैं खेलने के लिए, अच्छी जगह है। मैं वैसे ये दूसरी दफ़ा गया हूँ यहाँ पे, पहली दफ़ा अचानक मैं चला गया था, किसी काम पर गया था, तो रास्ते में मुझे उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा कि स्टॉप करते हैं यहाँ पर, तो मैं दूसरी दफ़ा गया क्योंकि मुझे पता चल गया था ये जगह बहुत अच्छी है, बहुत सारे बच्चे आए होते हैं। यहाँ से हम वहाँ से निकले थे, तो जिस काम जाना था हमने उस काम गए थे, और रास्ते में ये देखें कितना खूबसूरत मंदिर है। ये लोकल रोड्स हैं, लोकल रोड्स में तो बंदे का दिल करता है कि बस इस तरह की वीडियो बनाता रहे। यहाँ जाते जाते यहाँ पे मुझे ना, मैं जिस काम पे गया था वो काम तो मैंने मुकम्मल कर लिया, जब मैंने काम मुकम्मल किया तो मैंने देखा कि इसके हमारी एक कॉर्नर पे लेक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे अटेंशनली नहीं था गया इस लेक पे, मैं जहाँ पे गया था वहाँ पे जब मैं रुका तो मैंने देखा कि ये लेक है कॉर्नर पे, और इतनी खूबसूरत लेक थी ये। यकीन करें ये आपको लग रहा होगा ये समंदर है, ये समंदर नहीं है, ये लेक है। और यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी लेक्स हैं टोरंटो और कनाडा में, कि आपको ऐसे लगता है कि जैसे ये समुंदर है, बहुत खूबसूरत जगह है ये। और देखें स्नो से भरा हुआ है साथ में, और खूबसूरत लेक नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत जगह थी ना, और साथ ही घर हैं, घरों के साथ ही ये लेक थी ना। खैर मुझे तो बहुत मज़ा आया।
ज़्यादा देर नहीं था रुक सका क्योंकि ठंड भी काफ़ी थी, लेकिन एक नई चीज़ को मैंने देखा यहाँ पे आके। इस एरिया में मैं पहले कभी नहीं था आया, जब आज आया तो मुझे ये चीज़ बहुत खूबसूरत लगी। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था, लोग थोड़ा बहुत वॉक भी कर रहे थे। जिन जिन लोगों के पास जानवर होते हैं वो तो ज़रूर निकलते हैं वॉक के लिए, उनको थोड़ी सी वॉक भी करवानी होती है, उन लोगों ने साथ लेके जाते हैं। यहाँ से मैं जब वापसी आ रहा था तो ये इतना खूबसूरत व्यू लग रहा था मुझे लेफ़्ट साइड का। बेसिकली ये कुछ 4-5 बजे का टाइम था, 5-5 बजे का टाइम था। हाँ जी, तो हल्का हल्का सूरज ढल भी रहा था और रात हो रही थी। इस साइड व्यू में देखे आप कि सारा का सारा बर्फ़ से ढके पड़े हैं सारा ना। और ये हम फिजान भी मेरी बहुत हेल्प करता है इस सेंस में, बेटा मेरा, क्योंकि वो एट द एंड जब भी कोई स्नो पड़े तो ये फिजान को ऐसे शौक़ भी है, और जब भी कोई इस स्नो का हो तो मुझे कह दो बाबा मैं खुद करता हूँ। ये ज़रूरी होता है, हमें रोड साइड पे क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना यहाँ का कानून भी है कि अगर आप कोई ड्राइवे के पास से कोई जाए या कोई गिर जाए तो आपको उसकी सवाल तलबी हो सकती है कि आप लोगों ने ये क्यों नहीं क्लियर किया अपना ड्राइवे। और साथ में बच्चे इंजॉय भी कर रहे हैं, साथ साथ स्नो भी हो रही है, तीनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। और अल्फ़ज़ान बहुत अच्छी जॉब करता है क्लियर करके, मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं होती, ये खुद ही कर देता है। यहाँ पे इसने सारा क्लियर कर दिया था। साथ में ये हमारे नेबर्स के बच्चे हैं, उन्होंने डोर नॉक किया और कहते कि जी हम खेल सकते हैं। फिर मैंने अपने दोनों बच्चों को भेजा भाई कि जाओ आप लोग भी एंजॉय कर लो, मैं भी यहाँ पे हूँ, मैं देख रहा हूँ आप लोगों। फिर उनके भी डैड साथ में आ गए दूसरे बच्चों के। यहाँ साकर भी चल रहा था, साथ में दूसरे स्पोर्ट्स भी चल रहे थे बच्चों के, बच्चों ने भी एंजॉय किया। खैर फुल सूट पहनाया हुआ था इन लोगों को मैंने। इसमें यह होता है कि यहाँ पे सर्दियों में स्नो सूट पहनना बहुत ज़रूरी होता है। स्नो सूट बच्चों का आता है, जब भी स्कूल में जाना है इन लोगों ने तो स्नो सूट पहन के ही जाना है या घर से बाहर निकलना, पूरी सर्दियों में स्नो सूट ज़रूरी होता है। इससे ये फ़ायदा होता है स्नो या पानी या रेन जो होती है कपड़ों के अंदर नहीं जाती, बाहर रहती है। बच्चे खेल भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे स्नो के अंदर भी बैठ के। और देखें नीचे स्नो शूज़ भी पहनना ज़रूरी होते हैं, इसमें ना तो अंदर जाता है पानी जाता है बच्चों का, और ना ही बारिश भी हो तो उस तरह भी कोई नुकसान नहीं होता। हाँ बस, और चेहरे को और दूसरों चीज़ों को हाथों को कवर करना ज़रूरी होता है। शरारतें कर रहे हैं, इनको इंजॉय भी कर रहे हैं, शरारतें भी कर रहे हैं। यहाँ नाया भी बॉल बना के फेंक रही थी, मैंने उसको मना किया था, मैं कह रहा हूँ बच्चे आपसे बड़े हैं, बड़ों को इस तरह नहीं करते। दे आर फ्लाइंग, बच्चों का अच्छा टाइम गुजर गया संडे को, मोस्टली संडे को। आप नहीं के वेदर में बच्चे बाहर आपसे बड़े हैं, सर्दियों में तो मोस्टली बच्चों का यही होता है कि घरों के अंदर ही बैठे रहते हैं, टीवी देख लिया, वीकेंड पे या कहीं मॉल चले गए, ग्रॉसरियों पे लग गए। यहाँ पे इंडोर गेम बहुत कम है, मोस्टली जो होता है पूरे साल में गर्मियों का इंतज़ार करना पड़ता है बच्चों को। जो भी आउटडोर गेम होती हैं पार्क्स वगैरह की जो होती हैं समर में ही जा सकते हैं, सर्दियों में तो बच्चों का यही होता है, बल्कि बड़ों का भी यही होता है, छुट्टियां हो तो घरों में, अगर वरना कामों पे अपने बिजी। स्लिपरी भी काफ़ी होती है इस तरह रोडों पर, बड़ी एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ती है। ऐसे तो हम लोगों को विंटर टायर मस्ट होते हैं, सर्दियों में विंटर टायर के बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते। अगर विंटर टायर के बगैर गाड़ी चलाएं तो फिर बहुत एक्सीडेंट के बहुत चांसेस होते हैं। आप लोगों को मेरी अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अगर कोई अपडेट करनी पड़े या कोई आपको लगे कि इसमें कोई चीज़ और ऐड अप करें या कोई और आपकी रिक्वेस्ट हो कनाडा से मुतलिक तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा, मैं उसकी कोशिश ज़रूर करूँगा आपको मैं अपडेट दूँ या उस किस्म की वीडियो बनाऊँ। और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, आपकी सब्सक्राइब करने से या हमें कोई ना कोई कमेंट्स देने से हमें मोटिवेशन मिलती है।
और ऑफकोर्स फिर हम नए से नए मौके ढूंढते हैं किसी चीज़ का और वीडियो और किसी किस्म की वीडियो अपडेट करने के लिए।